हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y बराबर c1xq और ऑप्शंस दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कीजिए, और नहीं तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन अगर देखो तो हमारे पास कर्व है y बराबर c1xq, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx बराबर c1 3x2, या इसको लिख सकते हैं या dy अपॉन dx को यहां पे हम ये लिख लें y डैश। तो ये हो गया हमारे पास, तो यहां से हमारे पास c1 बराबर आ गया, देखो तो c1 बराबर y डैश अपॉन 3x2। सीवन इस टर्म को 3 और एक्स स्क्वायर नीचे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास, तो सीवन की वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट कर दें तो यह आ जाएगा हमारे पास वाई बराबर वाई डैश अपॉन 3x2 डॉट x³। ये हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास x² से पावर कट जाएंगे 2, ओनली x बच गया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहां से हमारे पास आ गया इंप्लाइज y डैश बराबर 3y अपॉन x, एंड 3y और इसका इसको नीचे डिवाइड कर दिया, ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब हमारे पास हमें निकालना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, तो इसको निकालने के लिए हम सिंपली जो dy अपॉन dx, ये y डैश जो क्या है dy अपॉन dx है, और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए हम सिंपली रिप्लेस dy अपॉन dx बाई माइनस dx अपॉन dy, तो इसे रिप्लेस कर देते हैं तो ये हो गया हमारे पास माइनस dx अपॉन dy इक्वल टू 3y अपॉन x, ये हो गया यहां से। तो इसको हम इधर लिख सकते हैं, माइनस साइन को इधर ला सकते हैं, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब अगर यहां से देखें तो इस x को इधर ले आता है तो ये होगा x dx इक्वल टू माइनस 3y dy प्लस c2। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया तो c2 अभी ऐड नहीं करेंगे, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन कर देते, इंटीग्रेशन करने पे x² इक्वल टू माइनस 3y² x² अपॉन 2 माइनस 3y² अपॉन 2 प्लस, और c जो कॉन्स्टेंट है उसको भी हम c2/2 ले लेते हैं, जो कॉन्स्टेंट हम बेसिक सी लाइन लेना होता है उसको हमने c2/2 ले लिया। तो यहां से सभी तरफ से 2 से 2 कट जाएगा, नीचे वाला 2 कट जाएगा, ये कट गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास x² इस टर्म को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 3y² = c2। अगर ये ऑप्शन कहीं मैच करता है तो हमारे पास करेक्ट आंसर है x² + 3y² = c2, एंड डी जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।